रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगे पुसोर जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरपंच पति व भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजकुमार छतर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही घर में एक युवक की बेरहमी पूर्वक पिटाई की थी, जिसको मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महेंद्र मिश्रा उम्र 25 साल निवासी रनभाटा जनपद पुसोर को कल गंभीर अवस्था में उनके पिता कौशल प्रसाद मिश्रा अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए मेट्रो हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने अपने पुत्र की हत्या किए जाने को लेकर गांव के ही सरपंच पति, उनके भाई व एक अन्य के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किए जाने को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां वे एसपी से मांग कर रहे हैं कि उनके बेटे के हत्यारों को पुलिस फौरन गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करे। मेरे लड़के की मौत हो गई सर, उसके साथ मारपीट हुई है गाँव में, और उसको लेकर आया था अस्पताल कल, और वहाँ अस्पताल में इलाज के दरमियान आधे घंटे में ही उसकी मौत हो गई। कब हुई मारपीट और कौन किया मारपीट? मारपीट राजकुमार छत्तर, जो सरपंच पति है रनभाठा का, उसके भाई और राजकुमार और एक चेतन रातड़े। कब किए मारपीट, कहाँ किए? कल किए हैं, उन्हीं के घर में किए हैं। इलाज कब चला, कहाँ चला आपके बच्चे का? कल ही चला है रूपेंद्र पटेल के यहाँ, उसके बाद मैं मेट्रो हॉस्पिटल गया, वहाँ इलाज करवाया। आज फिर आप लोगों ने किस सूचना पुलिस को दी है? वो हाँ जी सर, पुलिस को आज ही दी है सर। क्या चाह रहे हैं आप लोग? उचित न्याय सर, हत्यारों की गिरफ्तारी हो सर। कौशल प्रसाद मिश्रा, उनके साथ कुछ लोग आए हुए थे, उनका कहना ये है कि उनके लड़के जिनका नाम महेंद्र मिश्रा है और उनकी मृत्यु हुई है और संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है जो कुछ लोग के खिलाफ में है कि उनके द्वारा मारपीट किए जाने के कारण ही ऐसी मृत्यु हुई है, और उस पर से इसमें जीरो में कैमी चक्रधर नगर में किया गया है। मामले की डायरी चूँकि घटनास्थल पुसोर क्षेत्र का है तो पुसोर क्षेत्र में भेजा जाएगा और उनके सारे पहलुओं पर जाँच की जाएगी, और जाँच के आधार पर और पीएम रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से स्थिति बनेगी आगे की वैधानिक कार्रवाई की